Good morning, children. This is your English subject and English textbook, Unit 7, Lesson Number 5. The Monkey and the Log. Okay, yesterday we have already studied this lesson. Today we will revise this lesson. Okay, this is the story. Okay, story of two workmen and the monkey. Okay, see, once upon a time, certain workmen were busy building a temple. When it was noon, एक जगह एक टाइम पे एक जगह वर्कमैन जो है वर्कमैन यानी दो से यानी एक से ज़्यादा लोग तो वर्कमैन है यहाँ पे ओके कामगार काम करना रहे लोग ओके बिजी बिल्डिंग अ टेम्पल व्हेन इट वाज नून जब दोपहर हो गई टेम्पल बनाने में वो बिजी थे जब दोपहर हो गई थी तब रामराव यहाँ पे रामराव और श्यामराव दो कैरेक्टर है ओके तो रामराव लेट अस गो टू द टाउन फॉर द लंच दिस इज द श्यामराव एंड दिस इज ही इज रामराव ओके ये जो है श्यामराव रामराव से कहा कि लेट अस गो टू द टाउन फॉर लंच हम खाना खाने के लिए टाउन जाते हैं तो श्यामराव को भी ये बात अच्छी लगी सही लगी ओके श्यामराव आई विल जस्ट पुट अ वेज हियर एंड कम ओके अब वेज का मतलब है लकड़ी का पीस ओके वुड का पीस अ पीस ऑफ वुड ओके तो क्या किस कहाँ पे रखना था श्यामराव रामराव को तो देखो दिस इज द लॉग ओके ये लॉग कट किया था रामराव ने ये लॉग कट किया था ये जो कट है वो पूरा नहीं है थोड़ा सा ही कट हुआ वो कट अगेन ज्वाइन होके और काम बढ़ने से अच्छा है वो उसने सोचा कि ये कट में एक पीस ऑफ वुड डाल के यानी ये वेज डाल के रखेंगे तो काम इजी हो जाएगा रिटर्न आने के बाद इसलिए उसने सोचा कि जस्ट पुट अ वेज हियर एंड कम ये वेज डाल के मैं आता हूँ ओके जब ये वेज डाल रहा था तब उसने क्या सोचा राम राव ने सोचा लेट अस हो नो वन टचेस दैट वेज व्हाइल वी आर अवे ये वेज जो है उसे कोई टच नहीं करेगा जब तक हम दूर है जब तक हम यहाँ पे नहीं आ जाते जब तक हम दूर जा रहे टाउन में जा रहे खाना खाने के लिए तब तक ये वेज को कोई टच नहीं करेगा अब क्यों नहीं टच करेगा उसने कुछ तो सोचा होगा कि जो टच करेगा उसके साथ गलत हो सकता है ऐसे उसने सोचा होगा इसलिए वो अच्छा ही सोच के गया कि जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक ये कोई टच नहीं करेगा तो अच्छा रहेगा ओके वो आई लेट अस होप होप यानी आशा करता हूँ ऐसे उसने सोचा ओके ये हो गया ये एक पार्ट स्टोरी का खत्म होता है यहाँ पे ओके ये दोनों चले जाते हैं लंच पे एंड सडनली अचानक एक मंकी अराइव्ड मंकी आ जाता है और वो वेज को देख के वो लॉग को देख के वेज को देख के वो सोचता है कि ये पीस क्या कर रहा है यहाँ पे ये लॉग में जो ये लकड़ी का जो पीस डाला है वो यहाँ पे क्या कर रहा है क्यों रखा है आई वंडर व्हाट विल हैपन इफ आई पुल इट आउट मुझे देखना है क्या ऐसे हो सकता है क्या आश्चर्य होगा क्या ऐसे होगा जो ये वेज जो है वे ये मैं निकालूंगा तो क्या होगा ऐसे उसने सोचा और उसने जोर लगाया कि वो टफ था ना इजी नहीं था इजीली वो बाहर आने वाला नहीं था तो उसने जोर लगाया और वो वेज बाहर आया जोर लगाने के बाद बाहर आया बट आउट इट केम बट ही शाउटेड हेल्प 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 व्हाई ही शाउटेड हेल्प बिकॉज द गैप क्लोज इन ट्रैपिंग वो वेज है जो है वो निकालने के बाद जो गैप था वो बंद हो गया बंद होते होते क्या हो गया ये जो मंकी का टेल है उसमें फंस गया ट्रैप TRAPPING ट्रैपिंग ओके फंसना फंस गया और मंकी की टेल उसमें फंस गई इसलिए वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था द पुअर मंकी क्राइड इन पेन दर्द के मारे चिल्ला रहा था ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है और यहाँ पे मॉरल आपको समझाया गया कि सो वी शुड नॉट मेडल विथ थिंग दैट आर नॉट कंसर्न टू अस
यानी जो हमसे संबंधित नहीं है वो चीज़ में हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत बार मम्मी भी आपको समझाती है, जब दो बड़े लोग बातें करते हैं तभी हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। ओके, जब कुछ भी ऐसे चीज़ हो जाती है वो हम उनके बारे में उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तब हमें उनके साथ उसमें बीच में पड़ना गलत है। ओके, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है उसमें हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। पहले पूरी जानकारी लेने के बाद हमें कोई भी बारे में बोल सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ओके, एंड टुडे वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ओके, चल, ये न्यू वर्ड्स आपने लर्न किए, राइट किए 5 times। वर्कमैन, टेम्पल, टच, सडनली, वंडर, बिल्डिंग, वेज, लंच, अराइव्ड, मेडल, ट्रैपिंग, कंसर्न। ओके, एंड दिस इज द एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेज। मैंने आपको पहले भी बोला था फ्रेज का मतलब है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी पूरा सेंटेंस नहीं हो सकता है, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, यहाँ पे आपको ये स्टार्टिंग सेंटेंस दिया है, आपको वो कंप्लीट करना है। सी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वेयर टू फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे आपको लेसन में ही दिया है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वेयर टू फ्रेंड्स। ओके, देन नेक्स्ट, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मंकी, MONKEY, मंकी। ओके, देयर वॉज अ मंकी। देन अगेन, वंस अपॉन अ टाइम देयर वेयर, सी देयर वेयर क्या लिखते हैं हम, देखो यहाँ पे हम ये लिखेंगे सर्टेन वर्कमैन, WORK वर्कमैन, बिजी, BULDING, बिल्डिंग, अ टेम्पल। देखो ये ऐसे लाइन फिनिश कर सकते हम, सर्टेन वर्कमैन बिजी बिल्डिंग अ टेम्पल। वंस अपॉन अ टाइम देयर वेयर सर्टेन वर्कमैन बिजी बिल्डिंग अ टेम्पल। ओके, नेक्स्ट, आई वंडर, सी आई वंडर, ये सेंटेंस आप लिख के ये फ्रेज कंप्लीट कर सकते हैं। आई वंडर वॉट विल, WILL विल हैपन, HAPPEN हैपन, इफ आई पुल इट आउट। I wonder what will happen if I pull it out. ओके, आप अच्छे से लाइन मार के यहाँ पे लिखिए, और आपको ये नोटबुक में भी लिखना है, लेसन का नाम लिख के आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करके बुक में लिखना है, नोटबुक में। ओके, देन आई होप नो वन टचेस, PUCHES टचेस, that touches touches that 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 wage WEDGE wage while 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 we are away. Okay, I hope no one touches that wedge while we are away. Okay children, this is the exercise. Okay, complete the following phrase. हमने ये सब phrase complete करके यहाँ पे लिख के दिखाया है, आपको ये notebook में भी copy करना है, ठीक है।
देन फोर्थ इज इनैक्ट द स्टोरी. आपको ये घर पे आप अपने भाई बहन के साथ ये एक्शन करके एक्टिंग करके ये स्टोरी रीड कर सकते हो. ये स्टोरी के डायलॉग देखो यहाँ पे दिए हैं ना, वैसे आप डायलॉग एक एक को पढ़ने देकर आप ये स्टोरी घर में भी बना सकते हो एक्टिंग करके. ओके चिल्ड्रेन, ओके राइट दिस प्रॉपरली इन योर इंग्लिश नोटबुक. ओके बाय.